मैंने भी ये राजनीतिक चर्चाएं कुछ चैनलों के माध्यम से देखी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्या सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति है क्या, या चुनावी राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुनाव भी लड़ाया, बहुत बड़े जिम्मेदाराना संगठन के पद पर भी मुझे रखा हुआ है। तो ये चुनावी प्रक्रियाएँ तो पार्टी ही तय करती है कि कौन व्यक्ति संगठन में रहेगा, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। तो मैं समझता हूँ जितनी भी बातें हैं निराधार हैं किसी भी तरीके की। विपुल गोयल को लेकर लोग आकलन और इस तरीके की बातें जो अपने आप चला रहे हैं, मैं समझता हूँ इन बातों में कोई किसी तरीके की सच्चाई या दम नहीं है। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी विपुल गोयल उसी पे चलने का काम करेगा। आपकी दावेदारी जिस तरह से आपने जताई, टिकट नहीं मिली, उसके बाद में अटकलें शुरू हुई कांग्रेस में जाने की, खास तौर से आखिर इस अटकलों के पीछे है कौन, क्या लगता है आपको? देखिए, पार्टी के अंदर टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हर कार्यकर्ता कोई ना कोई किसी चीज़ के लिए प्रयास करता है, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद उस निर्णय का समर्थन करना, ये हमारे कार्यकर्ता का दायित्व है। तो उसी के तहत पता नहीं ये कौन किस तरीके के लोग इस तरीके की बातें फैलाकर क्या अपना राजनीतिक मोटो सफल करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इन बातों में, इन दावों में कोई किसी तरीके की सच्चाई नहीं है। कांग्रेस को कहां देख रहे हो? कांग्रेस के नेताओं से कोई मुलाकात आपकी इस बीच में हुई? नहीं नहीं, कोई कांग्रेस के नेताओं से मेरी किसी तरीके की मुलाकात नहीं हुई, कोई कांग्रेस से कोई किसी तरीके का संपर्क नहीं हुआ। और रही कांग्रेस की बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी समर्थन से, पहले से भी ज़्यादा सीटों से, जो कि हमारे माननीय मोदी जी ने दावा किया है कि 400 पार का जो नारा है उसको सार्थक करने का काम करेंगे, उसको सफल बनाने का काम करेंगे। और सामूहिक प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश की जनता करने जा रही है, और मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाना। किशन पाल जी के पक्ष में क्या आप वोट मांगेंगे? मैंने कहा विचार करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 400 पार ले जाने के लिए हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति उसका समर्थन करेगा। जिस व्यक्ति को कमल के फूल का टिकट मिला है, कमल का फूल जिसके पास है, उसके लिए सभी लोग काम करेंगे और मोदी जी को 400 पार का जो नारा है उनका, उसको सार्थक बनाने के लिए काम करेंगे। किशन पाल जी को बधाई आपकी तरफ से दी गई या उनसे उन्होंने मुलाकात आपसे की? मैंने कहा ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बधाई का सिलसिला, बधाई तो रेगुलर है ही है, बधाई जब उन्हें टिकट मिली है वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभी कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे और उन्हें जिताने का। जनता से क्या अपील है आपकी? मेरी जनता से अपील है, मोदी जी को 400 पार का जो नारा दिया है उसे बनाए, और मोदी जी ने इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, जनता ने मन बना रखा है कि राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, CAA की बात हो, सब पे जनता के दिल की बात पूरी करने का काम मोदी जी ने किया है और सब लोगों को लाभान्वित करने का, मैक्सिमम लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। तो सब लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि तीसरी बार फिर से मोदी जी। मनोहरलाल खट्टर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थे, एक दिन पहले ट्वीट थपथपाए, दूसरे दिन बदल दिया, क्या कहेंगे? मैंने फिर कहा ना, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, किस व्यक्ति को क्या दायित्व दिया जाए, किस व्यक्ति की जिम्मेदारी कहाँ लगा दी जाए, कोई कार्यकर्ता डिसाइड नहीं करता है, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। मनोहर लाल जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, मनोहर लाल जी को ने 10 साल सफल अपना कार्यकाल हरियाणा के अंदर पूरा किया और बहुत हरियाणा को बहुत आगे ले जाने का काम किया, पर्ची खर्ची बंद करने का काम किया, और मैं तो कहता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर आज तक भूतों न भविष्यति जो काम नहीं हुए उनको सार्थक करने का काम, उसको करने का काम माने मनोहर लाल जी। बदलाव जो हुआ है मंत्री जी, ये बदलाव का क्या संदेश समझे? नहीं, मैंने क्या कहा, ये भारतीय जनता पार्टी है, रेगुलर निरंतर पूछ लो, इतिहास देख लो, ये तो बदलाव समय समय पर होता रहता है कि किसी कार्यकर्ता को कुछ दायित्व, किसी कार्यकर्ता को कुछ दायित्व, और बदलाव क्या है? आज माने मनोहर लाल जी मुख्य भूमिका के अंदर हैं, लोकसभा का नेतृत्व करेंगे, विधानसभा का करनाल से करते रहे हैं, और बहुत बड़ी किसी जिम्मेवारी पर मुझे लगता है आगे उनके लिए पार्टी ने। पंजाबी चेहरा थे मनोहर जी, क्या लगता नहीं पंजाबी नाराज होंगे वोट वही? मैं पंजाबी क्यों नाराज होंगे भाई, मनोहर लाल जी कहीं चले गए क्या? मनोहर लाल जी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और रेगुलर आप लोग देखो मनोहर लाल जी ऐसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि जिन्होंने चाहे मुख्यमंत्री थे रहे, चाहे मुख्यमंत्री का पद हटते ही एक मिनट भी नहीं बैठे, आप देखोगे जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी रेगुलर जनता के बीच के अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो अंत में क्या कहेंगे विपुल गोयल के बारे में, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस के नेताओं के? सब अटकलें निराधार हैं, विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, पार्टी जो मेरे लिए तय करेगी उस पर विपुल गोयल चलने का काम करेगा, और
एक जिम्मेवाराना पद पर है विपुल गोयल, ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो आप लोग, ये चलाते भी किस तरीके से हो, मैं जरा इस बात से सहमत नहीं हूँ।